हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का आज के वीडियो में मैं स्वागत करती हूं और वे सभी लोग जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक हिस्ट्री कल्चर और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर बेस्ड नॉलेज है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो आज का वीडियो हम बना रहे हैं ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हमारे पास पिछले हफ्ते आए हैं उसके बेसिस पे है। तो वे सभी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ये सवाल पूछा है, आप सभी को अपना आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। आज का वीडियो है चैंटिंग पर बेस्ड। चैंटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं कि चैंटिंग कैसे करना है, चैंटिंग कब करना है, चैंटिंग के नियम क्या क्या है, हम बीट बैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं या रूल्स फॉर बिगनर्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से जो कि है फेमिलराइजेशन ऑफ योर चैंटिंग माला या जपा माला। तो देखिए, जब भी आप किसी टेम्पल जाते हैं तो वो आपको इस तरह के बीट बैग में जपा माला देते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ये बीट बैग खुद, दूसरी होती है चैंटिंग काउंट राउंड्स और तीसरा होता है चैंटिंग की जपा माला जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये है मेरी जपा माला जिसमें 108 मनके होते हैं। इन 108 मनकों के बाद जो ये मनका है हम इसे क्रॉस नहीं करते क्योंकि हमारे अनुसार जो 108 मनके हैं वो भगवान की गोपियां हैं और ये भगवान श्री कृष्ण खुद है। तो जब आप माला को शुरू करते हैं तो आप इस तरह से माला फेरना शुरू करते हैं जो बीट बैग के अंदर होता है और जब आप घुमाते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं जो कि एंड ऑफ चैंटिंग बीड्स है तो आप उसे घुमाते हैं अपनी उंगली पर इस प्रकार और फिर से उसे घुमाकर फिर से उसे चैंट करने लगते हैं, ना कि उसे क्रॉस करते हैं। आप इस मेरू को क्रॉस नहीं करते, उसे जपते नहीं है, इसे घुमाकर आप दूसरी तरफ से शुरू कर देते हैं। ये तो हो गई जपा कैसे करना है। अब आते हैं कि जपा बीट बैग में जपा माला क्यों रखी जाती है। तो इसका रीजन है कि देखिए, जब हम फोन लेते हैं तो हम उस पर कवर लगाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, तो ये सेम उसी तरह से है कि जब हम बीट बैग में जपा माला रखते हैं तो जपा माला एक पवित्र चीज है जिस पर हम चैंटिंग कर रहे हैं। अगर वो कहीं गिरेगी तो वो अशुद्ध हो सकती है क्योंकि वो गंदगी में गिर सकती है। अगर बीट बैग रहेगा तो जपा माला प्रोटेक्टेड रहेगी, अगर वो हमारे हाथ से छूटेगी तो वो बीट बैग में ही गिरेगी। तीसरा होता है इस तरह के काउंटिंग बीट्स कि आपने कितनी माला कर ली है, हर एक माला के बाद आप इसे इस प्रकार से आगे कर सकते हैं ताकि आपको पता हो आज के आपके कितने राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। तीसरी बात, जब आप माला करते हैं तो आप किस तरह से इसमें हाथ रखते हैं, ये है ओपन स्पेस जिसमें आप हाथ रखते हैं और इसी के सामने आपको एक छोटा हॉलो स्पेस जो कि छेद है दिया गया है, यहाँ से आप अपनी दिस फिंगर आप अपनी फिंगर को बाहर निकालते हैं और अंदर चैंटिंग करते हैं। ये रीज़न क्या है इस फिंगर को अवॉइड करने का, इसका रीज़न है कि जब भी हम कभी आक्रोश में होते हैं या गुस्से में होते हैं या हम किसी पे ब्लेम लगाते हैं तो हम उसे इस तरह से एड्रेस करते हैं। तो क्योंकि ये जो उंगली है ये हमारे क्रोध के लिए मानी जाती है या हमें जो अहंकार है हमें वो दिखाती है, ये रीज़न है कि हम इस उंगली को अवॉइड करते हैं सो दैट इसमें एक विनम्रता आए और सीधी रहने की बजाय ये पास ही रहे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो ये तो हो गई एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट बीट बैग, जपा कैसे करना है और कौन सी माला पे करना है। अब दूसरा सवाल आता है जपा कब करें। देखिए, सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन अगर आप उस समय पर रीडिंग करना चाहते हैं या आप भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करना चाहते हैं तो आप जपा उसके बाद भी कर सकते हैं। तो मॉर्निंग आरती अटेंड करने के बाद आप जपा कर सकते हैं और अगर आपको सेहत के कुछ रीजंस के चलते डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि आपको सुबह वॉक करना है तो आप वॉक के दौरान भी जपा कर सकते हैं अगर वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम कर रहे हैं। तो लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। अब सवाल आता है कि नियम क्या क्या हैं जपा करने के। तो देखिए, सबसे पहला नियम कि आप अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल ना करें क्योंकि आप कर रहे हैं चैंटिंग जो इस तरह से आप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, इसी बीच अगर आप अपना फोन लेकर उसे स्क्रॉल भी करते जा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, यू रियली थिंक दैट इट इज गोइंग टू वर्क? नो, क्योंकि आपका हृदय और आपका मस्तिष्क आपके सोशल मीडिया में है। सेम गोज फॉर द पॉइंट नंबर टू विच इज वॉचिंग टेलीविजन। काफी सारे लोग आराम से सोफा पर बैठते हैं, जपा करते हैं और वो टीवी देख रहे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
जी नहीं, ये गलत है। आपका ध्यान आपके जपा पर होना चाहिए। आप जितना अच्छा जपा करेंगे उतनी एकाग्रता आप में बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, आप बीच बीच में लोगों से बातें मत कीजिए कि बहुत जरूरी है तो अलग बात है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, एक जगह बैठकर जपा करना चाहिए, पर अगर बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो उस वाली माला को आप छोड़ दीजिए और उसे दोबारा से शुरू कीजिए। तीसरा है, गॉसिप तो बिल्कुल नहीं करनी कि आप हरे कृष्णा जी, अच्छा फिर क्या हुआ, आप दूसरों से गॉसिप कर रहे हैं और यहाँ आपके बीट्स काउंट हो रहे हैं, सो दिस काउंट इज ऑफ नो यूज। या फिर एक और जो हमारा पॉइंट है वो है, बहुत से लोग जल्दी 16 राउंड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरह से जपा करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम। ये कोई यूजफुल चैंटिंग नहीं हुई, क्योंकि इसमें ना आप कृष्ण ढंग से बोल रहे हैं ना आप राम ढंग से बोल रहे हैं। तो ये कुछ 5 नियम हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं चैंटिंग के दौरान। अब चैंटिंग करने से पहले हम पंचतत्व और गुरु मंत्र बोलते हैं। पंचतत्व प्रणाम मंत्र एंड गुरु प्रणाम मंत्र, इन दोनों को बोला जाता है। जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई है वो पंचतत्व प्रणाम मंत्र से शुरू कर सकते हैं, जो कि है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, जिसका तात्पर्य है, हे पंचतत्व हमारे बुद्धि तथा मन दोनों को भगवान श्री कृष्ण के जपा में संलग्न कीजिए, ताकि हमारी एकाग्रता बढ़े और भक्ति में हम आगे अच्छे से बढ़ सके, हमारी माला में कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। इसके साथ हम, ऐसी भावना के साथ हम हरे कृष्ण महामंत्र का जपा शुरू करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि अगर हम बिगनर हैं तो हम स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, स्टार्ट स्लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी इंस्पिरेशनल वीडियो देखकर थोड़े बूस्ट अप हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम एक ही दिन में 16 राउंड्स कर लेंगे, लेकिन जब हम वैसा प्रयास करने लगते हैं तो वो हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता। दूसरा कि हमें तकलीफ होती है वो कॉन्टिन्यूटी में जपा करने के लिए। तो मैं कहूँगी अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप एक माला डेली से शुरू करें, चाहे वो आप अर्ली मॉर्निंग कर लें, कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं रीजंस की वजह से तो ड्यूरिंग द डे ज़रूर कर लें। दूसरा, आप नहाना ज़रूरी है माला करने से पहले, तो आप नहा कर ही माला करें। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है 1 राउंड की, जिसमें कि 108 टाइम्स हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने उसका वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया कि मैं अनियन गार्लिक का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, या फिर अभी मैंने अपनी भौतिक जो आदतें हैं उसे छोड़ा नहीं है, तो मैं किस तरह से जपा करूँ। तो देखिए, जपा शुरू करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आप तुलसी पर जपा नहीं कीजिए, आप कीजिए या तो चंदन पर या नीम पर जपा, जिससे कि हमें तुलसी अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम गैम्बलिंग कर रहे हैं वो धीरे धीरे छूटेगा, आप जपा शुरू कर सकते हैं पर वो धीरे धीरे छूटेगा, लेकिन गैम्बलिंग करते हुए अगर आप तुलसी पे चैंट कर रहे हैं या इंटॉक्सिकेशन के दौरान या नॉनविज के दौरान या किसी भी कुप्रवृत्ति के दौरान अगर आप चैंटिंग तुलसी पे कर रहे हैं तो उसका हमें पाप लग सकता है। इसलिए आप शुरुआत कीजिए नीम या चंदन पे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो भी बुरी आदत है वो छूट जाएगी, आप इनिशिएशन लेकर तुलसी पे जपा शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और थे कुछ सवाल जो हमने कवर किए। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, हम उस पर शॉर्ट्स क्रिएट करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।